Hello students, welcome back to your physics concept class. And today we are going to start a new type of your physics concept class. That is a very small class. You can say it is just segment of the class. In this particular class, we discuss about a single topic which improve your knowledge. Like you can say name of this class, do you know? Okay. So today's topic is about the units. Or you can say fundamental or supplementary units. So let's we start our class. Be with me till the end of the class. Okay, so simple way mein baat karte hain ki jo bhi students 9th, 10th, 11th, 12th science stream mein appear hain, un sab ne 9th standard pe, phir 11th standard pe units system of measurements study kiye hain, jinme CGF, FPF, MKF and SI system of measurement. और जो SI सिस्टम है मेनली हम वही प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. तो इन द SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच आर एज यू कैन सी हियर. दिस इज द SI सिस्टम इन विच वी इन्वॉल्व 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. द नेम ऑफ क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद देयर फंडामेंटल यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला एंड मोल. अब जो पॉइंट की बात है उस पे आते हैं. इस सिस्टम के साथ में आपको ये भी बताया जाता है दिस सिस्टम हैज टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स. टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से? फॉर एंगल द यूनिट इज रेडियन, सिंबल इज दिस आरडी. This is the plane angle and solid angle. Its unit is steradian. The symbol SR. तो जो topic है हमारा do you know, knowledge improve करने के लिए हमने ये पढ़ लिया, but ये कभी सोचे नहीं कि ये 7 fundamental units हैं और quantities हैं जो कि SI सिस्टम में एक साथ लिखी जाती है और बाद में बताया जाता है. द सिस्टम आल्फो हैज टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको हम रेडियन और स्टेरेडियन बोलते हैं. तो इन दो पर्टिकुलर यूनिट से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि लोगों ने, साइंटिस्ट ने या जिसने भी सिस्टम को बनाया, इनको बिरादरी से बाहर कर दिया कि रेडियन एंड स्टेरेडियन आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है. सप्लीमेंट्री मीनिंग सिंपल वे में ये कि अगर कोई चीज़ अधूरी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ हम उसमें ऐड करते हैं, जो पार्ट ऐड करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को सप्लीमेंट्री बोलते हैं. जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, अगर कोई बच्चा अपने सारे सब्जेक्ट में पास है और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम रह गए हैं तो उसको एक चांस दिया जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए उसकी क्लास, तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं. सेम ईयर यू कैन अंडरस्टैंड ईयर लाइक दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ कम्प्लीट मार्कर. अगर हम इसके स्कैप को यहाँ से अलग कर दें तो ये इनकम्प्लीट मार्कर हो गया. इसको कम्प्लीट करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? दिस, ये कैप जोड़ना पड़ेगा. तो वी कैन से दिस इज द सप्लीमेंट्री ऑफ दिस मार्कर. इसको ऐड करने के बाद ये मार्कर कंप्लीट हो गया है, तो इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया है. अब जैसे ही ये यूनिट लिखे ऐसे ही ये लिखे तो ये भी दिमाग में आता है कि इनमें सप्लीमेंट्री है क्या, व्हाट इज, क्यों ये सप्लीमेंट्री है? तो रीजन मैं बता देता हूँ. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी पी इज इक्वल्स टू एन यू, ओके, वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज द यूनिट. So it means the condition to be a physical quantity, it must have the numerical value and also the unit. लेकिन जब हम अगर check करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम angle की बात करें, like plane angle, तो इसका जो formula होता है वो formula क्या है? Arc upon radius. Okay? सारे ही लोगों को ये पता होगा. तो अगर हम इसका unit यहाँ से find out करते हैं तो you can see here arc किस में measure किया जाएगा? अगर हम SI सिस्टम में मेजर करते हैं तो मीटर में, तो आर्क इज मेजर्ड इन मीटर और रेडियस इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर. सो मीटर अपॉन मीटर दिस इज कैंसल आउट. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देर इज नो यूनिट. मीन्स अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे
तो ये डायमेंशन लेस हो गया, तो यहां पर यूनिट तो आया ही नहीं, तो क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए जरूरत क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई ना कोई आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आर्क अगर 10 है और रेडियस 2 है तो 10/2 इट इज 5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई लेकिन यूनिट तो कुछ आई नहीं, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, लेकिन हम इसको लिखते हैं क्या, रेडियन। ठीक है, तो इस यूनिट को फिजिकल क्वांटिटी की जो कंडीशन है उसको कंप्लीट करने के लिए ऐड किया गया है, तब इसको हमने बोला है रेडियन, और ये क्या है बेसिकली डायमेंशन लेस हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, दैट्स व्हाई दिस यूनिट रेडियन इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब क्वांटिटी की कंडीशन को पूरा करने के लिए इसको ऐड किया गया। सेम है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख लेते हैं, लाइक वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इफ वी कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर लाइक दिस, अगर ये पार्ट हमने इस स्फीयर से कट किया है रेडियस आर का फ्रॉम द सेंटर, और इस कट पार्ट का जो एरिया है वो है डेल्टा ए, सो द सॉलिड एंगल एंगल सस्टेंड बाय दिस कट पार्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज द ए इज द एरिया ऑफ कट पार्ट, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट इज कट। ओके, तो यहां भी अगर हम यूनिट लिखें तो डेल्टा ए एरिया है, इसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगा और रेडियस भी मीटर में मेजर की जाएगी, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे इट इज वंस अगेन मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो कैंसिल हियर, तो ये क्वांटिटी भी कैसी हो गई, डायमेंशन लेस। तो यूनिट तो इसका भी कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी हम यहां क्या लिखते हैं, स्टे रेडियन एफ आर इज अ सिंबल। तो यहां भी सेम कंडीशन है, जब हमने सॉलिड एंगल को डिफाइन किया उसका जो फॉर्मूला यूज किया उससे न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें मिल गई बट यूनिट कोई नहीं आया, मीन उसके डायमेंशन कोई नहीं आई, तो हमने इसको नेम दे रखा है स्टे रेडियन। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई दीज यूनिट्स रेडियन एंड स्टे रेडियन आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्योंकि जब इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ जाती है, एक्चुअली यूनिट कुछ भी नहीं आ रहा था, तो वो यूनिट क्वांटिटी की कंडीशन, फिजिकल क्वांटिटी होने की कंडीशन को पूरा करने के लिए ऐड किया गया है, नेम दिया गया है रेडियन एंड स्टे रेडियन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट क्लास, ऐसे ही हम अपनी अदर क्लासेस में एक टॉपिक जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए रिलेटेड टू द फेज उसको डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।